जी असजद। असजद नहीं, पाहत। ऐसे उलते हमको पुन जैसे कोई अनजाना। वायरल है, डॉक्टर में डाइन घर पे बस मेडिसिन ले और रेस्ट करे, ठीक हो जाए। ठीक। डिस्टर्ब क्यों? वेटर, को मुझे लगता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो शायद आपको इसीलिए लग रहा है, बस ही कोई बात नहीं ना। या अल्लाह, मैं कब तक इस अज़ियत में रहूंगी? मुझे ना इस चीज को सब कुछ साफ साफ सच सच बता देना चाहिए। असजद, मुझे ना आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए। असल में वो जस्ट वन मिनट बोल हाफ आर्ट बोलो। हाँ मालूम है मुझे, वो मुझे ज़रा इमरजेंसी में निकलना पड़ा। एक्चुअली मिसेस को लेके हॉस्पिटल जाना था, मैं 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ, फिर देख लेते। ओके हाँ हाँ, कुछ कह रही थी तुम? नहीं कुछ कुछ खास नहीं, मैं ये कह रही थी कि काफ़ी दिन हो गए हैं वैसे नहीं मिली हूँ, तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ा था लेकिन मुझे ऑफिस जल्दी पहुँचना है। कोई बात नहीं है, मैं फ़ोन पर बात कर लूँगी ना उससे। कैसी तबीयत है? बस ठीक है। मेडिसिन ली? जी। तुम आराम करो, ठीक है? कोई काम करने की जरूरत नहीं है, घर में काम करने के लिए मुलाजिम हैं। आप यहाँ पे होके मुझे कॉल कर रहे हैं क्या? आओ घर पे लेट आएंगे? हाँ साइट पे जाना है विजिट के लिए, थोड़ी देर हो जाएगी, तुम डिनर कर लेना और सो जाओ। जी फिर मैं एक काम करती हूँ कि अम्मी को बता देती हूँ। उसकी टेंशन मत लो, मैं कॉल करती हूँ। खुदा हाफिज़। हाफिज़। असजद। असजद नहीं, पाहत। इसने मुझे कैसे कॉल किया? हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? मारिया कैसी है? उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, हल्का सा फीवर है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। वो बहुत मिस कर रही थी आप लोगों को। अगर आप उससे मिलने आ जाएं। आई एम सॉरी, मैं आजकल काम में बहुत बिजी हूँ इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बेटा आज तो नहीं, इंशाल्लाह कल आऊंगी। जन्म कल आ जाइएगा, मैं मारिया को बताऊंगा नहीं ताकि सरप्राइज रहे उसके लिए। ठीक है ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। खुश रहो बेटा, अपना और मारिया का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।
अभी क्या हो? प्लीज फोन मत रखना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम समझे? लगता है मेरा नंबर ब्लॉक करने से मैं तुम तक पहुंच नहीं पाऊंगा। मारिया मारिया क्या खुदा, अब तक उसके पास मेरा नंबर है, क्या करूंगी? बात तो करनी पड़ेगी लेकिन कहां से लाऊंगी इतनी हिम्मत अपने अंदर? कैसे करूंगी उस शख्स का सामना जिसने सबके सामने मेरी जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ तमाशा बना के रख दिया था और कुछ भी नहीं। अजय, बड़ी बेगम कह रही हैं अस्टर साहब तो देर से लौटेंगे, आप शाम की चाय इनके साथ पिए, वो इंतजार कर रही हैं आपका। ठीक है, चल मैं आती हूँ। हाँ भाई खालदा, तुम तो सोने का सेट लेते ही ऐसे ईद का चांद हुई। सोने का सेट याद दिलाकर तुमने मेरे जख्मों पर नमक छिड़क दिया है। क्यों भाई? अब एक छिलका सा सेट थमाकर हींग लगे ना पिटकरी और रंग आए छोका, ये वाला काम किया है तुम लोगों ने मेरे साथ। अब छिलका भी ना कहो, अच्छा वाला सेट लेके दिया था। 18 कैरेट का सेट कहना भूल नहीं गई तुम? मैं अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो क्यों रखा, वापस ला दो भाई। खैर छोड़ो, ये बताओ मुझे कैसे याद किया, किसी की शादी करवानी है या मंगनी? काम था, हर बार शादी करवाने के लिए नहीं फोन करते। हाँ तो बोलो। ये रिश्ता करवाते वक्त तुमने ये तो बताया था कि मारिया की तलाक हुई है, पर वजह नहीं बताई थी तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुमने भी तो अज्जद और अंबर की 10 साल पुरानी मंगनी वाली बात छुपाई थी ना मारिया के घर वालों से। मंगनी टूटने और शादी टूटने में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। रिश्ते अगर दिल से हो ना तो शादी टूटे या मंगनी दुख उतना ही होता है। अच्छा ज्यादा बकवास मत करो, हैं? जो पूछा है उसका जवाब दो। खैर से अब मारिया तुम्हारे घर में रहती है तो खुद जाके पूछ लो उससे। अगर उसी से पूछना होता तो तुम्हारी बकबक सुनने के लिए क्यों फोन करती मैं? अच्छा मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता लेकिन मैंने सुना है कि किसी लड़के का मामला था इसलिए खड़े खड़े मुंह पे तलाक मिल गई थी उसे। है? लड़के का मामला?